हाय एवरीवन, तापुस कॉर्नर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तीन अलग अलग सैंडविचेस। सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर सैंडविच। पनीर सैंडविच बनाने से पहले हमें गैस ऑन करके पैन में 1 से 2 चम्मच तेल देके पनीर को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करना नहीं है। तो देखिए, पनीर अभी फ्राई हो गया। इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर हम पैन में तेल देके कैप्सिकम और टमाटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसा पनीर को किए है। फिर इसमें थोड़ा तेल देके प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। अभी हम 2 ब्रेड लेंगे और ब्रेड के ऊपर बटर लगा देंगे। बटर लगाने के बाद एक में धनिया का चटनी, और एक में टोमेटो सॉस लगा देंगे। हम धनिया का चटनी पहले ही बना के रख दिए थे, इसीलिए आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में धनिया का चटनी कैसे बनाते हैं तो वो शेयर करेंगे, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अभी एक स्लाइस के ऊपर हम जो सब्जी फ्राई करके रखे थे वहाँ से हम पहले प्याज और टमाटर रख देंगे। फिर इसके ऊपर पनीर और कैप्सिकम को भी रखना है, लेकिन हम कैप्सिकम रखना भूल गए थे, बाद में रख दिए। इसके ऊपर चाट मसाला, ब्लैक पेपर, नमक दे देंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम जो दूसरा ब्रेड है उसे इसके ऊपर रख देंगे। अभी पैन में 1 चम्मच बटर देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड को पैन के ऊपर रख के हल्का सा सेंक लेंगे। लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक इसे सेंकना पड़ेगा।
ब्रेड के ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे तो आपका ये सैंडविच ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। अभी ब्रेड को पलट के दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए मेरा सैंडविच बनके तैयार हो गया। मैं अभी इसे काट कर लेती हूँ। तो ये मेरा मज़ेदार पनीर सैंडविच एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर सैंडविच आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा या तो आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मेरा दूसरा सैंडविच जो है वो देख लेते हैं। अभी हम बनाएंगे काट सैंडविच। काट सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे हम कटी हुई प्याज, कैप्सिकम और टमाटर दे दिए। साथ ही दो बड़े चम्मच दही डाल दिए, लेकिन दही में पानी नहीं होना चाहिए। फिर इसे हम नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर देके अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हम दो ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ। इसे हम बटर नहीं लगाएंगे। अभी ब्रेड का एक स्लाइस पे हम दही का जो रायता बनाया है इसे डाल देंगे। बस इसके ऊपर से हम दूसरा ब्रेड रख देंगे। अभी इसका बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। अभी हम पैन पे बटर नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक छोटा चम्मच राई और थोड़ा करी पत्ता डालेंगे। फिर राई और करी पत्ता को हम थोड़ा सा पका लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सैंडविच रख देंगे। लो फ्लेम पे पकाना पड़ेगा। सैंडविच को तुरंत पलट ले ताकि राई और करी पत्ता जो है उसका टेस्ट बना रहे। अभी हम दोनों साइड से पका लेंगे। तो मेरा काट सैंडविच तैयार हो गया। तो इसको भी हम काट कर लेंगे। आप इसे धनिया पत्ता का चटनी के साथ खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। काट सैंडविच यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी जो तीसरा सैंडविच है उसे देख लेती हूँ। अभी हम बनाएंगे चीज़ सैंडविच। पहले के जैसा अभी हम दो ब्रेड का स्लाइस लेंगे। एक स्लाइस के ऊपर सेजवान का चटनी लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम प्याज, कैप्सिकम डाल देंगे। प्याज और कैप्सिकम को हम थोड़ा सा बड़ा साइज का काट लिए।
फिर इसके ऊपर से जो कॉर्न है वो सजा देंगे। लास्ट में इसके ऊपर से चीज़ दे देंगे ताकि पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट लगेंगे। उसके बाद ऊपर से पिज़्ज़ा मिक्स, ओरिगानो और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल देंगे। आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा नमक डालें। फिर दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है उसे इसके ऊपर रख देंगे। अभी हम पैन के ऊपर एक चम्मच बटर मेल्ट करने के लिए रख देंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, चीज सैंडविच को पैन के ऊपर लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चीज जो है वो पूरा गल जाए। अभी ऊपर से बटर लगा के दूसरे साइड भी सेक लेंगे। इसे काट करके दिखा देती हूँ। देखिए, चीज सैंडविच मेरा बनके तैयार हो गया। इसे आप सेजवान चटनी या तो टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।